नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबको कुछ दिखाने वाला हूँ। आप सब जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस पोखरा में लगभग 300 साल पहले 3 बच्चे मर गए इसी पोखरा में। तो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, ये डेंजरस पोखरा है। ये मेरे घर के बगल में है, मेरा घर उस तरफ है, आप सब देख सकते हैं। और ये पोखरा है, 300 साल पहले 3 बच्चे डूब के मर गए थे ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो मैं आया हूँ गाइस आप सबको दिखाने के लिए कि ये कितना डेंजरस, कितना खतरा पोखरा है। तो आप सब देख सकते हैं, ये सब पेड़ है दोस्तों, और ये बांस का पेड़ है, और ये देखिए ये पोखरा है, और कितना डेंजर पोखरा दिख रहा है दोस्तों, आप सब देखिए। और इसी पोखरा में लोग नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए आते हैं। यही पोखरा है जिस पोखरा में 3 बच्चे डूब के मर गए थे। कितनी खतरा और कितनी डरावनी दिख रहा है दोस्तों। ये पोखरा है, आप सबको दिखने को मिल रहा है, और उस पर पानी के ऊपर ये एक पेड़ जैसा तैर रहा है, आप सबको देखने को मिल रहा है, देखिए। तो यही पोखरा है जो 3 बच्चे मर गए थे। कितनी डरावनी की बात है और कितनी आश्चर्यचकित की बात है। मुझे लगता है उतना गहराई तो नहीं है, पर दोस्तों ये पोखरा बहुत ही इतिहास में और गांव में पूरे लोग जानते हैं। और ये सब पेड़ है दोस्तों, ये देखिए, ये आम का पेड़ है, और उधर है बांस का पेड़, और उस बांस के उधर वहाँ जो दिख रहा नीचे, उस नीचे वहाँ सांप है। ये बात तो सही है, मैंने भी देखा है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, उधर सांप भी रहता है। और यही पोखरा है जिस पोखरे पे देखने में कितना डरावनी है, देखिए दोस्तों, बहुत डरावनी पोखरा है, ये देखिए, बहुत बड़ा है, पूरा बड़ा है। तो दोस्तों यही मैं आप सबको दिखाना था कि ये वीडियो को शेयर करें, ताकि इस पोखरे के बारे में और भी कोई लोग जान सके कि इस गांव में इस तरह इस पोखरा में खतरा है। तो यही पोखरा है जो बहुत डरावनी और 3 बच्चे मर गए थे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताइए पोखरा है उसमें बच्चे नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए। तो गाइस फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।